Hello viewers, so today we are going to make मूंग दाल वड़ा। मूंग दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सोख मूंग दाल दी है। ये मूंग दाल मैंने 2 to 3 आवर्स तक सोख कर दिया है। और यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है। छिलके वाली मूंग दाल इज़ मोर हेल्दी बिकॉज इट कंटेन्स फाइबर ऑल्सो अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स। यहाँ पे मैंने चॉप्ड ग्रीन चिली ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड ओनियन, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है एंड चॉप्ड कोरिएंडर लिया है। तो पहले हमको ये जो सोख मूंग दाल है इसको मिक्सर में ग्राइंड कर देना है। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा दाल रखा हुआ है और ये मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सो अभी हमारी मूंग दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अभी हम इसमें इसको बाउल में निकाल देते हैं। चॉप्ड ओनियन ऐड करना है। चॉप्ड ग्रीन चिली ये आपको आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और अभी जो हमने बचा हुआ जो हमारा दाल था दैट वी हैव टू ऐड जस्ट टू गिव दी वड़ा द लिटिल क्रंच। तो ये हमको इसमें भी ऐड करना है एंड चॉप्ड कोरिएंडर। And now we have to mix this mixture. This mixture is ready. Some little bit oil यहाँ पे लगाना है आपको and make small flat vada this kind of vada and we put in it. Generally हम वड़े को तलते हैं बट यहाँ पे हमको इसको सेकना है विथ वेरी लिटिल ऑयल एंड ये भी इतने ही टेस्टी लगते हैं एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। अच्छे से ब्राउन होते हैं तब तक हमको इसको अच्छे से रोस्ट करना है। put a very little oil. तो नहीं भी लगाएंगे still it will taste wonderful. It has turned a very nice brown color. अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं. This is ready. Serve this with a green chutney. I have this serving plate. I have this green chutney. So our मूंग दाल वड़ा is ready to eat.